Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 1. And today, we are here with a new chapter, with a new topic, which is our veggie friends, yani hamare veggie friends, right? So, let's start. Chapter 6, it is our veggie friends, yani ki hamare veggie dost. We know the importance of plants and trees. तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, राइट किड्स? सो इट प्रोवाइड्स अस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच कीप अस हेल्दी. सो प्लांट्स और ट्रीज से हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन और डिफरेंट वेजिटेबल्स, जिससे हम हेल्दी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं. सो इट कीप्स अस फिट एंड सेफ फ्रॉम डिसीजेस. ये हमें फिट रखते हैं, प्लस ये हमें दुनिया भर की बीमारियों से बचाते भी हैं, राइट? तो वी शुड मेक वेजिटेबल्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट. तो हमें सब्जियों को अपनी डाइट का एक मेजर यानी कि अहम हिस्सा बनाना होगा, राइट किड्स? जैसे आपको अगर नहीं पसंद है कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए किड्स, क्योंकि उससे आपके मसल स्ट्रांग होंगे, उससे आपकी आईसाइट अच्छा होगा, उससे आप हेल्दी और फिट रहेंगे और आप स्ट्रांग भी बन पाएंगे और इससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट किड्स? यस, चलिए लेट मी आंसर. डू यू नो दैट क्यूकम्बर्स एंड पम्पकिंस आर फ्रूट्स एंड नॉट वेजिटेबल्स? वेल, क्यूकम्बर्स मतलब कि खीरा, जो कि हम सलाद में खाते हैं, राइट किड्स? और इसके अलावा कद्दू यानी कि पम्पकिन यानी कि सीताफल, ये दोनों एक्चुअली में वेजिटेबल्स नहीं है बल्कि ये फ्रूट्स हैं. क्या आप ये बात जानते थे? वेल, अब से आप कभी भी इन्हें वेजिटेबल्स में काउंट मत कीजिएगा, दे आर फ्रूट्स. ऑलराइट किड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर आर सम रेयर बट न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स, कैन यू नेम देम? यू मे यूज द हेल्प लिस्ट. सो किड्स, यहाँ पर दी गई है एक हेल्प लिस्ट और इसकी हेल्प से हमें इन दी गए वेजिटेबल्स के पिक्चर्स को देखना है और उनके एप्रोप्रिएट नाम हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1 इज ब्रोकली. तो किड्स, ब्रोकली एक तरह की गोभी होती है. यस, कॉलीफ्लावर और कैबेज के अलावा ब्रोकली भी एक ऐसी तरह का वेजिटेबल है जिसको हम गोभी कहते हैं और इसका नाम है broccoli. So let's write broccoli. B-R-O-C-C-O-L-I. It's a broccoli. Yes. Number 2. ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर रूम नहीं होता? Yes. Mushroom. So this is a mushroom. Mushroom हम pastas में भी खाते हैं. Mushroom की हम सब्जी भी बनाते हैं. तो we will write here mushroom. Yes. नेक्स्ट है लेमन ग्रास. यस, लेमन ग्रास की हम बनाते हैं चाय, जो कि काफी डिटॉक्सिफाइंग यानी कि फ्रेशनेस देती है. सो वी विल राइट लेमन ग्रास. ये हम सैलेड में भी यूज करते हैं. नंबर 4 है एवोकाडो. एवोकाडो का स्वाद काफी खट्टा और तीखा होता है और इंडिया में ये वेजिटेबल बहुत रेयरली पाया जाता है. जो इस एक वेजिटेबल का प्राइस है वो है 100 rupees पर यूनिट, यानी कि एक एवोकाडो 100 rupees का होता है किड्स. बट इसके फायदे अनलिमिटेड होते हैं. इसे आप सैलेड्स में भी खा सकते हैं और सैंडविचेस में भी. सो वी विल राइट एवोकाडो. ए वी ओ सी ए डी ओ, एवोकाडो. नंबर 5, इट्स अ जैकफ्रूट. यस, बट ये तो एक वेजिटेबल है तो इसके नाम में फ्रूट क्यों आता है? वेल, ऐसे तो पम्पकिन भी एक फ्रूट है. सो डजंट मैटर, वी विल राइट जैकफ्रूट ओवर हियर. ऑलराइट किड्स, यस, सो इट्स अ जैकफ्रूट. जैकफ्रूट को हम हिंदी में कहते हैं कटहल. यस किड्स, नेक्स्ट इज यस, ये है पत्ता गोभी यानी कि एक कैबेज. यस, सो वी विल राइट सी ए बी बी ए जी ई, इट्स अ कैबेज. नेक्स्ट यानी कि 7 है यस सेलरी. सेलरी जो है
सैलरी मीन्स सैलरी पैसों वाली सैलरी नहीं, इट्स अ सैलरी। सैलरी यानी कि एक ऐसे टाइप का पत्ता या फिर रूट्स बेसिकली, जिसको हम एज इन सैलड्स, एज इन पास्ता में भी डालकर खाते हैं। सो वी विल राइट सैलरी। इसके अलावा लेमन ग्रास और लेटस भी एक ऐसे टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम सैलड्स में खाते हैं। राइट किड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नंबर 8 पे है हमारे पास एक रेड बेल पेपर। सो बेल पेपर्स यानी कि कैप्सिकम्स भी हम इन्हें कहते हैं, जो कि ग्रीन, येलो और रेड, और इसके अलावा भी कई कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं, बट मेजरली हम इन्हें 3 कलर्स में जानते हैं, जैसे कि रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड ग्रीन कैप्सिकम। सो वी विल राइट हियर इज बेल पेपर, क्योंकि ये बेल की तरह दिखते हैं और इन्हें पेपर कहा जाता है। राइट, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे व्हाइट सीड्स होते हैं। राइट किड्स, नेक्स्ट इज यस, इट्स अ कसावा। सो वी विल राइट कसावा। क्या आपने कसावा खाया है? अपनी मम्मा को बोलिएगा कि कसावा आपको बनाकर खिलाए। राइट किड्स, ऑलराइट। सो अब करते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात। इट्स टाइम फॉर इन्फो बिट्स। वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोस, चिलीज, ब्रिंजल्स एटसेट्रा विच कंटेन सीड्स आर इन फैक्ट फ्रूट्स। सो किड्स, जैसे भी जिस भी वेजिटेबल के अंदर सीड्स, जैसे कि टोमेटो, पम्पकिन, ब्रिंजल्स, चिलीज, तो जिनके अंदर बीज होते हैं वो एक्चुअली में फ्रूट्स होते हैं, ना कि वेजिटेबल्स। So kids, with this we're done with another chapter of General Knowledge Part 1, and we will meet in the next class. Till then, bye-bye, take care.